नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। इस चैनल पे हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फोल्डर रिडायरेक्शन कैसे कर पाएंगे ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रुप पॉलिसी के थ्रू वॉलपेपर सेट किए थे, इस बार हम लोग फोल्डर रिडायरेक्शन के लिए इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, वहां से एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, देन हम जाएंगे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट में। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर एक न्यू पॉलिसी क्रिएट करेंगे, फोल्डर रिडायरेक्शन के नाम से। ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी क्या करेगा कि यूज़र की जो डेस्कटॉप माई डॉक्यूमेंट्स माई पिक्चर की जो फाइल है वो सर्वर तक रीडायरेक्ट करेगा। इवन यूज़र का जो सारे फाइल सर्वर पे स्टोर होगा एंड वो कई भी होस्ट पे जाके, कई भी पीसी पे जाके अपना यूज़र आईडी ओपन करने से उसको वो फाइल्स वगैरह भी होगा या वो फाइल के ऊपर वो काम कर पाएगा। तो ये पॉलिसी बनने के बाद हम लोगों को एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर हम लोग रीडायरेक्ट जो फाइल है उसको रखेंगे। तो मैं एक सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ UPRD के नाम से, शॉर्ट फॉर्म में। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसके शेयरिंग सेक्शन में जाने के बाद एडवांस शेयरिंग में जाएंगे, वहाँ पर शेयर दिस फोल्डर करेंगे। और इससे पहले भी हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि हम लोग डॉलर सिम्बॉल यूज़ कर सकते हैं हाइड शेयर ड्राइव को हाइड रखने के लिए यूज़र के लिए, यूज़र के पास से। यहाँ पर एवरीवन एक्सेस को हम लोग हटाएंगे, यहाँ पर हम डोमेन यूज़र जो ग्रुप्स है उसको हम लोग इसमें जोड़ेंगे। सो इससे क्या होगा, आपकी जितने भी डोमेन के यूज़र है, जो भी यूज़र है वो इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा, कोई एवरीवन कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा विदाउट डोमेन यूज़र। सो इसे मैं फुल कंट्रोल में रखूँगा, ओके करूँगा, क्लोज करूँगा। इससे पहले मुझे ये यहाँ का UNC पाथ मिल जाएगा, यहाँ शेयरिंग के अंदर ही इसे मैं कॉपी कर लूँगा कि ये मेरा रीडायरेक्शन पाथ है। अब मैं ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में आऊँगा, फोल्डर रीडायरेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, एडिट बटन में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद पॉलिसीज में जाएंगे, उसके अंदर विंडोज सेटिंग में जाएंगे, वहाँ मुझे मिलेगा फोल्डर रीडायरेक्शन। सो यहाँ पर यूज़र की जो बेसिक प्रोफाइल के अंदर उसकी ऐप्स डेटा, उसकी डेस्कटॉप, स्टार्ट मेनू, आप सारे चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं अभी फ़िलहाल के लिए डेस्कटॉप माई डॉक्यूमेंट्स माई पिक्चर के ऊपर ही ये पॉलिसी अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं ये डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज में जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ पर नॉट कॉन्फ़िगर्ड का एक पॉपअप आएगा, एक टूल बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर मैं बेसिक में जाऊँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है टारगेट फोल्डर लोकेशन, क्रिएट अ फोल्डर फॉर ईच यूज़र अंडर द रूट पाथ। जो मैं पाथ यहाँ पर दूंगा उसके अंदर फोल्डर का, यूज़र का जो नाम, यूज़र आईडी है, उसके नाम से एक अलग से फोल्डर क्रिएट होगा, देन उसके अंदर उसकी डेस्कटॉप माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर सीरियली रहेगा। सो मैं इसी हिसाब से इसे कर रहा हूँ। मैं इसे UNC पाथ सेट कर दिया एंड देन मैं सेटिंग में जाऊँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल्सो अप्लाई रीडायरेक्शन पॉलिसी टू विंडोज 2000 एंड 2000 के नीचे के जो PCs है उसमें भी अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं इसे टिक करूँगा। इसके बाद ये पॉलिसी रिमूवल का एक पॉलिसी है जो कि लीव दिस फोल्डर न्यू लोकेशन वन पॉलिसी रिमूव, रीडायरेक्ट द पॉलिसी, रीडायरेक्ट द फोल्डर बैक लोकल यूज़र प्रोफाइल लोकेशन वन पॉलिसी इज रिमूव। मैं इसे रखूँगा अभी। इससे क्या होगा कि जब मेरा ये पॉलिसी किसी कारण से सर्वर मेरा स्टॉप है या फिर मेरा पॉलिसी डाउन है, तब मेरा यूज़र जो है उस फाइल को एक्सेस कर पाएगा उसकी लोकल पाथ में ही इसे। तो इसे मैं ओके करूँगा। सेम इसी तरह से मैं डॉक्यूमेंट्स को भी इसी तरह से मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। सो मेरा डेस्कटॉप के ऊपर ये पॉलिसी लग चुका है, आप देख पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लग चुका है, पिक्चर के ऊपर लग चुका है। अब मैं इसे क्लोज करूँगा। अब ये जो मेरा पॉलिसी है, ये पॉलिसी मैं IT कंटेनर के अंदर मैं इसे लिंक करूँगा और देखूँगा ये पॉलिसी सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं। अभी हम लोग होस्ट PC में जाएंगे, अपडेट करेंगे PC को, देन देखेंगे ये पॉलिसी काम कर रहा है कि नहीं। सो अभी हम लोग होस्ट PC के अंदर है, इसमें मैं पॉलिसी अपडेट करूँगा। जी
जी ये सक्सेसफुली लॉग इन हुआ। इसके बाद हम चेक करेंगे कि मेरा पॉलिसी सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं चेक करूंगा यहाँ पर कि मेरा सिंक टूल चालू हुआ है कि नहीं। बिल्कुल मेरा यहाँ पर सिंक सेंटर विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट आता है वो चालू हो चुका है ड्यू टू ये फोल्डर रीडायरेक्शन के कारण। अब मैं इसके ड्राइव के अंदर जाके देखूंगा, ये बिल्कुल फोल्डर रीडायरेक्शन डेस्कटॉप के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एंड पिक्चर के ऊपर ऑलरेडी एक सिंक का आइकन आ चुका है। सो मैं अभी अगर डेस्कटॉप के अंदर कुछ फाइल वगैरह बनाऊंगा या फोल्डर्स वगैरह क्रिएट करेंगे, जैसे मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ एक टेस्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया कर रहा हूँ, सो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये सर्वर से रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसे चेक करने के लिए मैं एक बार सर्वर पर जाके आपको दिखाता हूँ इसका फोल्डर क्रिएट हो रहा है कि नहीं। सर्वर पे आने के बाद सर्वर पे जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर मैं उसको मैं ओपन करूँगा। बिल्कुल जो मेरा यूज़र आईडी है उसके नाम से ये फोल्डर ऑलरेडी बन चुका है, उसका डेस्कटॉप माय डॉक्यूमेंट एंड पिक्चर। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप को ओपन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये परमिशन के अगेंस्ट होगा, क्योंकि हर एक यूज़र का जो प्रोफाइल है उसका प्राइवेसी है होता है उसके अंदर। सो इसी के कारण ये बाई डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेड मोड में रहता है। अगर आप इसे भी ठीक करना चाहता है जो एडमिन है उसे ऑल टाइम इसकी परमिशन मिलते रहे, तो आपको कुछ सेटिंग्स और चेंज करने पड़ेंगे उसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। सो आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम लोग और पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।